और साइंटिस्ट आए, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया, कहते हैं इन्होंने ऊपर का पूरा रिजल्ट पढ़ लिया, ये कहते हैं हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे डेविस एंड जर्मर की तरह, कि ये प्रूव करेंगे कि मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव नेचर की तरह काम करता है। ये क्या करते हैं, स्क्रीन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम लेते हैं, होल करते हैं, लाइट की तरह वेव इलेक्ट्रॉन की बीम स्कैटर हो जाती है और डिफ्रैक्शन रिंग शो करती है, डिफ्रैक्शन हो जाती है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा स्क्रीन पे। तो ये शो करता है कि ये वेव नेचर है। ऐसी एक और साइंटिस्ट आया जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप तो पता ही है, लाइट की बीम्स जाती हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन का माइक्रोस्कोप बनाया जो चीज़ों को, माइन्यूट चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो इसमें ये बताया हुआ, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लाइक लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीम बिहेव एज अ वेव्स। लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन की बीम भी वेव की तरह काम करती है, बट विद स्मॉलर वेव लेंथ। सेकेंड पॉइंट है, बाई यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस्ड जस्ट एज ऑर्डनरी लाइट बीम। जैसे लेंस में से लाइट बीम जाती है और वो अपने आप कन्वेक्स लेंस में से फोकस हो जाती है। कह रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, उसको फोकस एक पॉइंट पे किया जा सकता है बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके प्रिंसिपल से बनाया, हम नहीं करेंगे, पर जिसने भी बनाया उसने ये कहा, इसका प्रिंसिपल बता दिया लेकिन अंदर वर्किंग वर्किंग कुछ नहीं है, इसमें डायग्राम भी नहीं बना रहे। उसने कहा माइक्रोस्कोप बनाया और जो माइक्रोस्कोप बनाया, नॉर्मल माइक्रोस्कोप 1500 गुना बड़ा कर देता है ऑब्जेक्ट को, 1500 टाइम्स। ये जो माइक्रोस्कोप है वो 1,00,000 गुना बड़ा करता है। और ये माइक्रोस्कोप काम करता है वेव ऑप्टिक्स के फिनोमेना पे। इसका मतलब है कि इसकी क्या नेचर है, वेव नेचर है। क्वेश्चन नहीं आता इस पर।